अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दिया और आज की रेसिपी है गार्लिक सॉस। एज प्रॉमिस मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में कहा था मैं आपको इसकी रेसिपी देने वाली हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक गार्लिक सॉस की मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। इससे आप गार्लिक मायो भी बना सकते हैं या फिर इसको आप दही में डाल के इसकी डिप्स बना सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनती हैं। सो बेसिक की जो इन्ग्रीडियंट हैं उसको देखते हैं। तो ये मेरे पास है लहसुन। लहसुन मैंने जो है 3 बड़े जवे लिए थे, जो गार्लिक पॉड्स आप जिसको कहते हैं उसको मैंने छील लिया था। मेरे पास है सॉल्ट, वाइट पेपर है, लेमन है और ये पास ऑयल है। ऑयल आप कैनोला ऑयल यूज कर लें अगर आपके पास ऑलिव ऑयल अवेलेबल नहीं है। आपने अब एक चॉपर लेना है। चॉपर में जो है सारे जो है गार्लिक डाल दूंगी, फिर उसमें जो है अब हमने ऑयल डालना है। ऑयल का रेशियो किस तरह से करना है, मेरे पास तकरीबन 3 जवे थे लहसुन के बड़े, तो उसमें मैं स्टार्ट कर रही हूँ 1/8 कप से डालना। इसमें जो है अराउंड 1/8 से हाफ कप के लगभग जो है ना वो ऑयल जाएगा। ऑयल डालने के इसको आपने जो है चॉपराइज कर देना है कि इसका बहुत अच्छा से इसको आपने पेस्ट बना लेना है। फ़र्स्ट राउंड के बाद मैं इसको अब चेक करूँगी कि मुझे मज़ीद ऑयल की इसमें नीड है या नहीं। मुझे ऑयल इसमें मैं तकरीबन 1 से 2 चम्मच और डाल के फिर इसमें मैंने वाइट पेपर और सॉल्ट भी डाला और इसको मैंने दोबारा से इस बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी का जो है ना पेस्ट बनना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से। बेसिक गार्लिक सॉस आपका रेडी हो चुका है। इसकी जो फ्रिज लाइफ है वो 10 to 15 डेज है और फ्रीजर लाइफ अप टू 1 मंथ है। इसको आप जार में करके इसको फ्रीज करें या फ्रिज में रखें आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपसे शेयर किया था अपनी स्टोरी पे कि मैंने एक फेमस फास्ट फूड रेस्टोरेंट है यहाँ कराची में, उसका गार्लिक डिप जो है बनाने में कामयाब हो गई थी। वो यही रेसिपी है। इसको मैंने मायोनीज में बनाया था, जो आपको मिलता है ना वहाँ पे क्रिस्पी फ्राइड चिकन के साथ, ये बिल्कुल वही। आपने मायोनीज लेना है 1/2 कप, उसमें 1 teaspoon से 2 teaspoon आपने ये सॉस डालनी है, लेमन स्क्वीज करें और एग्जैक्टली वही टेस्ट आया था इसका का। इसके अलावा इसमें आप जो वेरिएशन करना चाहें, इसको आप मस्टर्ड सॉस के साथ बनाएं, एलोपिनो इसमें आप ऐड कर सकें, इवन इसको अगर आपने हेल्दी डिप यूज़ करना है तो इसमें आप योगर्ट, हैंकर्ड योगर्ट जिसको कहा जाता है ना, मतलब पानी निकला हुआ दही, उसमें आप जो है यही सॉस डालें और उससे बनाएं डिप। आप उसको शावरमा में यूज़ कर सकते हैं या किसी भी चीज़ के साथ उसको आप एज अ हेल्दी डिप दे सकते हैं अपने स्नैक्स के साथ। तो ये रेसिपी ट्राई करिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।